देखो हांगकांग वालों को ये तो नहीं पूछ सकते ना कि सूजी है, इसलिए सूर्या भैया के लिए बोल देते हैं म्यूजिक के साथ एक अचवादा सूर्या दादा। नमस्कार जय हिंद, मैं हूं रौनक, रणतंत्र में वेलकम। और जब भी मल्टी कंट्री टूर्नामेंट होता है तो लोग बिल्कुल ही जॉली एलएलबी के अरशद वारसी बन जाते हैं और एसोसिएट टीमों को देखकर पूछते हैं कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। बड़े टूर्नामेंट में एसोसिएट टीमों की पार्टिसिपेशन पर हमेशा से डिबेट रही है, लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन आपको जिता सकती है महिंद्रा थार और उसके ऊपर भी एक जबरदस्त सी मर्सिडीज कार। कैसे जीतोगे आप ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे थे, कई लोगों को ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप और एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में छोटी टीमों का होना टूर्नामेंट का मजा किरकिरा कर देता है, जैसा कई लोगों को इस टूर्नामेंट में हांगकांग के लिए लग रहा है। लेकिन उससे पहले आप हांगकांग की टीम के बारे में जरा जान लीजिए। इस टीम के लिए क्रिकेट सब कुछ है। इस टीम के कई खिलाड़ी इस टूर्नामेंट खत्म होने के बाद वापस जाकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने अपने कामों में लग जाएंगे। इनमें से कुछ लोग हैं जो दो वक्त की रोटी के लिए फूड भी डिलीवर करते हैं। पिछली बार जब एशिया कप में ये टीम इंडिया के सामने आई थी तो इन्होंने लगभग अपसेट ही कर दिया था। इंडिया महज 26 रन से जीतने में कामयाब हुआ था। इस एशिया कप में भी इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही हांगकांग को पता नहीं है कि अब उनका अगला मुकाबला इन बड़े देशों के साथ कब होगा। ऐसे में जब इन खिलाड़ियों को क्रिकेटिंग सुपर पावर के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है तो इनके लिए बात सिर्फ जीते हार की नहीं होती। अब देखिए ना, कल हांगकांग ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और उनके गेंदबाज आयुष शुक्ला ने जब इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा को आउट किया तो ये आयुष के लिए जिंदगी भर की कहानी हो गई है। एक ऐसी कहानी जिसको वो अपने बच्चों को और फिर उनके बच्चे अपने बच्चों को जरूर सुनाएंगे। एक 19 साल के हांगकांग के लड़के के लिए भारतीय कप्तान को आउट कर देना किसी फेरी टेल से कम नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए उनका आउट होना एक हॉरर स्टोरी थी, क्योंकि पावर प्ले में वही थे जो 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर बल्लेबाजी करते, क्योंकि केएल राहुल ने तो फॉर्म में वापस आने के लिए जिस तरह की बल्लेबाजी करी है ना, ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ फॉर्म रहते तो ही ज्यादा अच्छा था। सच बताऊं तो पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई राहुल की पारी हांगकांग के खिलाफ खेली गई राहुल की पारी से ज्यादा यूजफुल थी। केएल राहुल एशिया कप में इतने वक्त बाद टी20 इंटरनेशनल खेल रहे हैं और लग रहा है कि वो खेलना भूल गए। उन्होंने 39 गेंदों में 36 की पारी खेली, मतलब उनको खेलता देखकर फिनाइल से आंखें धो लेने का मन कर रहा था। राहुल का कल इंडिया के लिए सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यही रहा कि वो आउट हो गए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। क्योंकि उनके आउट होने के बाद आए सूर्य कुमार यादव ने बताया कि आखिर टी20 में बैटिंग कैसे करी जाती है। राहुल का कल का स्कोर क्रॉस करने में स्काई भैया को सिर्फ 17 गेंदें लगी। दूसरी तरफ कोहली ने भी वो नजारा दिखा दिया जिसका इतने टाइम से इंतजार था। तीन इतने बढ़िया बढ़िया छक्के जिनको देखकर आंखें सेंकी जा सकती हो, मतलब बिल्कुल वही 2019 से पहले वाले विराट जिनको देखकर गेंदबाज गेंदबाजी करने से मना कर देते हो, वो वाले विराट। एशिया कप में अभी तक उनसे पहले किसी बल्लेबाज ने हाफ सेंचुरी नहीं लगाई थी। एशिया कप में किंग की वापसी का इंतजार था और किंग ने कॉन्ग के खिलाफ हांगकांग के खिलाफ एशिया कप में पहली हाफ सेंचुरी लगाई। फरवरी के बाद से टी20 इंटरनेशनल में कोहली की ये पहली हाफ सेंचुरी थी। कोहली की हाफ सेंचुरी कंप्लीट हुई तो पीछे पीछे सूर्या भैया ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। आखिरी ओवर में 4 छक्के लगाकर सूर्या ने 26 गेंदों में 68 रन बनाए, कोहली 59 बनाकर नॉट आउट रहे और इंडिया ने हांगकांग के सामने 193 का टारगेट रखा। मैंने अपनी माई 11 सर्कल ऐप वाली टीम में कोहली को तो लिया था, लेकिन सूर्य कुमार यादव मेरी टीम में नहीं थे। अगर आपकी टीम में कोहली भी थे और सूर्या भैया भी और दोनों कप्तान और उप कप्तान आपने बनाए थे दोनों को, तो मुबारक हो। आप में से किसी के घर के बाहर महिंद्रा थार खड़ी होने वाली है। यही नहीं, इस पूरे एशिया कप में जो लीडर बोर्ड टॉप करेगा उसको मिलेगी एक जबरदस्त ये वाली मर्सिडीज कार। इसलिए मैं बोल रहा हूं लीडर बोर्ड टॉप करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मैचों में खेलना होगा और जितने ज्यादा मैचों में खेलोगे उसके लीडर बोर्ड टॉप करने के उतने ज्यादा चांस है। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, फटाफट से लिंक दिया उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो। और आज होने वाला है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश मुकाबला, उसमें अपनी टीम जरूर बनाना। और बाकी जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके अगर माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो आज हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए सिर्फ आज एक स्पेशल ऑफर है। ₹5,000 का ज्वाइनिंग बोनस डिपॉजिट करते ही मिलेगा आपको। जी हाँ, 5,000 फ्री में जीतने का इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो। मैच पे वापस आते हैं। फिलहाल आपको बता देते हैं कि टीम इंडिया ने कल जीत कैसे डाउनलोड करी। कल का मैच हार या जीत का तो था ही नहीं, क्योंकि ये तो पता था कि जीतेगी तो इंडिया ही। ऊपर से 193 का टारगेट, हांगकांग दो बार में भी चेज नहीं कर पाती हुई है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि उनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बाबर हयात ने पावर प्ले में थोड़े से करंट माइनस जौहर दिखाए, बल्कि पावर प्ले में तो हांगकांग का स्कोर इंडिया से बेहतर था। लेकिन जैसे ही पावर प्ले के बाद प्लेयर्स बाउंड्री पर फैले, हांगकांग की पारी पर रायता फैल गया। देखते ही देखते रिक्वायर्ड 100 बुर्ज खलीफा से भी ऊपर निकल गया। ये और ऊपर निकल सकता था अगर इंडिया वाले आवेश खान को न खिलाते तो। आवेश हाफ सेंचुरी स्कोर करने वाले तीसरे भारतीय बने।
बोले तो उन्होंने अपने 4 ओवर में 53 रन दिए, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने बड़ी आराम से 40 रनों से मैच जीता और सुपर 4 में ये जगह बनाने वाली अफगानिस्तान के बाद दूसरी टीम बन गई है। इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब है कि आज होने वाला श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश मुकाबला, फिर कल होने वाला हांगकांग वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला नॉकआउट हो गया है। जो जीतेगा वो सुपर 4 में पहुंचेगा। लेकिन आप पहुंच जाइए डिस्क्रिप्शन में, लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो और आप जीत सकते हो 5,000 का ज्वाइनिंग बोनस। लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है और हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। और फिर मस्त टीम बनाना माई 11 सर्कल ऐप पे, महिंद्रा थार और मर्सिडीज जीतने का मौका मिलेगा। छोटी बात थोड़ी ना मेरे भाई। लेकिन याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को भी जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे हैं। और हमारे दूसरे चैनल क्रिको पर भी एक नजर मारिएगा, एक धांसू वीडियो वहां पर भी आपका इंतजार कर रही है। सी यू टुमारो। जय हिंद।